दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह आज फिर से आपको वेलकम करता हूं इस मेरे चैनल लॉ वन शुड नो में। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। कोई मेरे जूनियर फ्रेंड भी कह सकते हैं, जूनियर भी हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं कोर्ट में ही प्रैक्टिस करूं या मैं, सर मेरे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, मैं कहीं और भी ट्राई कर सकता हूं। तो मैंने फिर इसका थोड़ा सा देखा और ढूंढने की कोशिश की कि कहाँ कहाँ एक लॉ ग्रेजुएट के लिए जॉब्स या काम हो सकता है। तो मैंने कुछ 10-12 पॉइंट्स आप लोगों के लिए, जो नए लोग हैं जो लॉ करके चुके हैं, जिनके पास LLB की डिग्री है, उनके लिए कुछ मैं लेकर आया हूँ और उसमें वो ट्राई कर सकते हैं और अच्छे से अपना करियर और लाइफ जी सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि कोर्ट में आएँ, कोर्ट में प्रैक्टिस करें। अगर आपका वो जज्बा है कि मुझे कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, सिविल, क्रिमिनल, कंज्यूमर, लेबर और इसी तरह से, और सर्विस मैटर्स हैं, तरह तरह के, मतलब बहुत वाइड एरिया है ये लीगल का। तो आप बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जहाँ भी आप चाहें अपना करियर शुरू कर सकते हैं, कोर्ट से शुरुआत कर सकते हैं। और नॉर्मली एक अच्छा जूनियर लॉयर किसी भी हद तक कमा सकता है, अगर वो अपनी जितनी डेडिकेशन उसकी होगी काम के प्रति, वो उतना ही अपना इसमें अर्निंग कर सकता है। सेकंड है लॉ कंसल्टेंसी इन एनी प्राइवेट और गवर्नमेंट फॉर्म। आप लॉ कंसल्टेंट के रूप में किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट फॉर्म में लग सकते हैं, रिटेनरशिप बेसिस पे लग सकते हैं, जहां आपको सर्टेन अमाउंट दी जाती है और आपको उनके जो डे टू डे केसेस होते हैं उनके बारे में जवाब, रिप्लाई और ओपिनियन, लीगल ओपिनियन देनी होती है। उसके लिए वो एक सर्टेन अमाउंट देते हैं और इट कैन बी पार्ट टाइम एज वेल एज फुल टाइम जॉब। इट कैन बी ए जॉब और प्राइवेट वर्क ऑल्सो, वो जैसे भी आपके और उनके टर्म्स होंगे वो उस हिसाब से ये सेट कर सकते हैं। और एक आपको सर्टेन अमाउंट मिलती रहेगी, इसके अलावा आप कोर्ट का वर्क भी अगर उनसे आप परमिशन ले लेते हैं तो अपना कर सकते हैं। थर्ड एक और है जो एरिया है जहां आप काम कर सकते हैं, कोई भी लॉ फर्म, इंडियंस भी हैं, फॉरेन फर्म्स भी हैं, तो दोनों में अपना अपना फ़ायदा और नुकसान है और अच्छी और बुरी भी हैं, दोनों ही तरह के हैं। तो जब भी आप लॉ फर्म ज्वाइन करें तो उसमें ये देख लें कि आपका एरिया ऑफ वर्क क्या है, क्या पेमेंट होगा, कितना उनको आपको टाइम देना होगा, क्योंकि लॉ फर्म्स में थोड़ा सा जो एडवोकेट्स हैं उनको कई बार थोड़ा शोषण होता है, जो मैंने नोट किया। तो आप देखकर चूज़ करें कोई भी लॉ फर्म और उसमें देख लें कि आपको क्या सैलरी दे रहे हैं, कितना टाइम लेंगे, क्या वर्किंग आवर्स, ये सब चीज़ें आप उसमें चेक कर लें। नेक्स्ट जो एरिया है जहां आप काम कर सकते हैं वो है कॉरपोरेट लॉयर। एज ए कॉरपोरेट लॉयर यू कैन प्रैक्टिस इन कंपनी लॉ, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स, साइबर लॉज और भी इसी तरह जो कंपनी लॉ से रिलेटेड या जो भी इस तरह के जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में आपके जो लॉज हैं उसमें आप कार्य कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो वो चाहती हैं कि आप उनके साथ ज्वाइन करें। एक आता है फिर टैक्स लॉयर। अगर आपकी बैकग्राउंड टैक्स, मैथमेटिक्स और कॉमर्स की रही है और आपने LLB की डिग्री की हुई है, तो आप टैक्स लॉयर भी बन सकते हैं, जिसमें आपके जितने भी जो टैक्स बार एसोसिएशंस हैं, जहां पर कि इनकम टैक्स और तरह तरह के जो आपके जो बिजनेस से कंसर्न टैक्सेस होते हैं उनको एडवोकेट्स डील करते हैं और बहुत ही अच्छी इनकम वहाँ भी वो लोग कमा पाते हैं, ले पाते हैं। इससे नेक्स्ट जो है एक और एरिया है डॉक्यूमेंटेशन लॉयर। यस, डॉक्यूमेंटेशन लॉयर वो होते हैं जो डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, रजिस्ट्री के हैं, प्रॉपर्टी के हैं और इसी तरह से कोई भी किसी भी तरह के, जिनकी जनरली ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ये रजिस्ट्रेशन हो, विल रजिस्टर करनी है, इस तरह की जो काम करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, पार्टीशन डीड,
आपका म्यूटेशन डीड, इस तरह की चीज़ें, तो ये इनका स्पेसिफिक एरिया होता है। ये डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करते हैं जो लोगों की एमसीडी में जमा होने हैं, कहीं जमा कराने हैं, कहीं ऑफिस में देने हैं, ये जो काम है ये डॉक्यूमेंटेशन लॉयर करते हैं। तो इसमें भी काफ़ी अर्निंग है, अगर आप इस काम को शुरू करना चाहें तो बहुत ही अच्छा एरिया है ये आप लोगों के लिए। इसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टी लॉ एडवाइज़र, ये भी एक काफ़ी अच्छा फील्ड है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ नॉलेज है कि कहाँ की प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, हर एरिया में कहाँ कहाँ कौन सी प्रॉपर्टीज़ चलन में हैं और उनकी रजिस्ट्री है, जीपीए है, लाल डोरा है या एग्रीकल्चर है, वो किस तरह की ज़मीन है जिसमें कि आपको उसकी तहकीकात करनी है, और एक अच्छी एडवाइस आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं, क्योंकि ख़रीदने से पहले लोग एक प्रॉपर्टी लॉयर से एडवाइस लेना ज़रूरी समझते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड आप लोगों के लिए हो सकती है। इसके बाद आ जाता है फैमिली मैटर्स में भी एक मैरिज काउंसलिंग और डाइवोर्स लॉयर, मैरिज काउंसलर और डाइवोर्स लॉयर के रूप में आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मैरिज काउंसलिंग बहुत ही सिंपल है, उसमें आपको लीगल पॉइंट्स के अलावा उनके परिवारों को मिलाना, उनकी कमियों को बताते हुए, उनकी वो रेमेडी दूर देकर और प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए उनको अच्छा सा एक पॉइंट और अच्छी सी एक एग्रीमेंट भी कराया जा सकता है, जिसमें आप बताते हैं कि भाई ये आप नहीं करेंगे, ये वो नहीं करेंगे, इस तरह का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी आप हस्बैंड वाइफ में एज ए मैरिज काउंसलर करा सकते हैं और उनको कुछ एडवाइस कर सकते हैं। अगर वो मान जाते हैं ठीक है, लेकिन नहीं मानते हैं तो आप उस फिर इफ़ दे आर नॉट अबाइडिंग बाई ऑल योर एफर्ट्स देन यू कैन गो फॉर डाइवोर्स, डाइवोर्स आप करा सकते हैं। उसके बाद उसमें भी दो तरह के डाइवोर्स हैं, आपके म्यूचुअल कंसेंट वाला है एक, और एक दूसरा जो नॉर्मली वन साइडेड होता है। इसके बाद एक नेक्स्ट और एरिया है जहां आप अपना लीगल करियर शुरू कर सकते हैं, लीगल एडवाइज़र टू एनी कंपनी। ये हालांकि मैंने अभी इसको पहले बताया है, लेकिन एक लीगल एडवाइज़र थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं आपके जो एडवोकेट इन लॉ फर्म या लॉ कंसल्टेंट से। लीगल एडवाइजिंग की जो पोस्ट है थोड़ी सी ज़्यादा रेपुटेड मानी जाती है। लीगल एडवाइज़र किसी भी कंपनी का एक बहुत ही ऊंचा पद होता है, जिसमें उसकी ओपिनियन के ऊपर पूरा कंपनी फंक्शन करती है लीगली। तो अगर ऐसे कोई आपको जॉब मिलती है अनुभव के आधार पे, तो आप ग्रैब करें उसको और आगे बढ़ें। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स। ये पोस्ट आपने देखी होंगी, काफ़ी निकलती रहती हैं बैंक्स में और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ पर कि लॉ ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती हैं, और उनकी सैलरी भी आप जानते हैं कि काफ़ी अच्छी सैलरी वो लोग देते हैं। और इसके बाद एक और है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप कोर्ट में बन के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें भी सैलरीड होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, और उनको एक निश्चित अमाउंट कोर्ट आपको देते हैं। इसके अलावा एक और छोटा एरिया है जहां आप कोर्ट में भी काम कर सकते हैं, जो DLSA होता है। DLSA होता है जो फ्री में लोगों को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उसके लिए कुछ हर कोर्ट अपने लिए लॉयर्स अपॉइंट करते हैं और फ्री सर्विस देते हैं गरीब लोगों को। तो वो भी एक एरिया होता है जिसमें आपको एक इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। उसमें भी आप कुछ सैलरी पाते हैं, जो काम आप करते हैं उसमें कोर्ट आपको पैसा देते हैं, पैसा देती है और उस काम को करने का आप, और उसके बाद आप अपना कार्य ठीक से कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ जानकारी उन न्यू लॉ ग्रेजुएट्स के लिए दी है कि जो डिफरेंट एरियाज़ में जाना चाहते हैं और उनको थोड़ा जानना था। फिर भी अगर आप कुछ और जानकारी मुझसे लेना चाहें तो आई एम ऑलवेज रेडी टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन। आई थिंक मैं जितना बता सकता था मैंने इसमें बता दिया। फिर भी अगर कोई छूट जाएगा तो मैं नेक्स्ट एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं कुछ और लॉ के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।